कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ चीज़ प्लान नहीं की हो और वो काफ़ी अच्छा हो जाए? मीन्स अनप्लान जो चीज़ें होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं सोचा नहीं था इतना अच्छा न्यू ईयर जाएगा या 31st जाएगा। हमारा प्लान कुछ इतना ये नहीं था, मुंबई जाने का था, तो वहाँ पे हमारी एक नई शुरुआत भी हो गई है और बहुत अच्छे से हमारी 31st गया। हमने कुछ प्लान नहीं किया था और कल आपने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, हम अंधेरी से अभी विरार को जा रहे थे, फाइनली हम विरार पहुँच गए हैं। विरार पहुँच के अभी जाएंगे हम, जो कि हमारा न्यू शुरुआत है। हम बोलते हैं न्यू शुरुआत, क्या हुआ है कैसा हुआ है आपको बताऊंगा। पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी तो एक समझो 31st की पार्टी होती है, बट एक नया कुछ एक रिश्ता भी जुड़ा है जो कि आपको देखने को मिलेगा आगे। काफ़ी अच्छा रिश्ता जुड़ा और इतना अच्छा न्यू ईयर होगा इस किसी को पता नहीं था। तो ये जो अनप्लान था ये किसी के द्वारा प्लान किया गया, मैं सडनली प्लान किया और उन्होंने इतना सपोर्ट किया, वो चीज़ आपको देखने मिलेगा। अभी हम आ गए यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये हमारे जीजा जी है जो अभी फ़िलहाल जीजा जी बने हैं, कि हम इसके पहले एक भी दिन मिले नहीं थे ना जानते थे। ये उनकी सोसाइटी है, देख सकते हो काफ़ी विरार में ये सोसाइटी है। तो उन्होंने उन्होंने इनवाइट किया हमको कि आओ यहाँ से हम 31st की पार्टी प्लान करते हैं और जाते हैं। ये सब के पीछे एक और एक व्यक्ति का हाथ है जो आपको आगे देखने मिलेगा, जिसे हम दीदी अभी मानते हैं, हमारी दीदी है जो आपको मैं दिखाऊंगा आगे। काफ़ी स्वीट है, जीजा जी भी काफ़ी स्वीट है, लेकिन ऐसा होगा हमको कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम कभी मिले नहीं थे, हमारे लिए सब अननोन थे और उन्होंने सब ये अचानक से बुला लिया हमको आओ। हम यही सोच में थे कि अरे यार कैसे हो गए, जानते नहीं एक दूसरे को, क्या करेंगे क्या नहीं। दो तीन जन जानते थे, बट हम जो दो तीन जन नासिक से गए थे उनको नहीं पता। ये देख सकते हो, ये हमारी दीदी नीलम दीदी, जो कि सबने सब कुछ उन्होंने ही प्लान किया, उन्होंने ही इन्वाइट किया कि आ जाओ 31st को, यहाँ वहाँ से जाने से अच्छा कि हमारे पास आ जाओ हम चलते। लेकिन इतने कोऑपरेटिव, इतने फ्रेंडली दीदी और जीजा जी कि आपको बता ही नहीं सकते। हमको लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, और उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना सब कुछ किया हमारे लिए, हमारे लिए सब कुछ प्लान किया। देखो हम चल दिए अभी डेस्टिनेशन की तरफ। हमको तो यही लगने का कि बाबा कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, बट उन लोग इतने फ्रेंडली थे कि हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिले। तो हम मिलने के बाद इतने ये हो गए, खास एक रिश्ता भी जुड़ गया। न्यू ईयर के लिए सबसे बेस्ट शुरुआत है कि आज हमने एक रिश्ता बनाया है। उसी बीच देखिए, ये मुंबई में भी भिखारी, वो भी इतने स्टैंडर्ड भिखारी थे। उसको मेरे दोस्त ने बोला चल 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 बाद में, एक्चुअली भिखारी नहीं है वो, हमारा दोस्त ही है, मीन्स दीदी का भाई, उसके बहुत ही नखरे होते हैं। तो हम कार में बैठ के निकल गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ और ये आ गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। आप अभी गेस करना इसमें से हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है। हम घूम घूम के देख लिए सब जगह, 31st की पार्टी कर रहे हैं और दीदी देखो कितना एक्साइटेड है। दीदी ने सबको हाय बोला, सब हाय बोल दो। ये है हमारी नीलम दीदी, सबसे प्यारी स्वीट सी, और हमारे जीजा जी, उनके अभी जीजा जी का नाम भी नहीं पता। सोचो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई लेकिन हमको जीजा जी का नाम भी नहीं पता, या हमने पूछा भी नहीं, इतना एक्साइटमेंट में सब चीज़ भूल गए। लेकिन जो भी था, एक दिल का रिश्ता था हमारा, जुड़ा, इन फ्यूचर हमेशा रहेगा। और दीदी जीजा जी को हम हमेशा मिस करेंगे, क्योंकि हम तो वहाँ रहने नहीं वाले, हम यहाँ आ जाएंगे। तो हमने हम आके हमारे डेस्टिनेशन पे एंट्री विंट्री का पूछ लिया, फूड का पूछ लिया, जो हमको 1000 पर हेड पड़ा था पासिस, दीदी ने सब अरेंज किया था। तो उसमें हमने पूछ लिया उसमें क्या क्या है, फूड है, ड्रिंक्स है, क्या है क्या नहीं, सब पूछ लिया। तो उन्होंने बोला कि फूड है तो आप फूड ले सकते हो 1000 में। तो वही डिस्कशन करने लग गए सब कि अरे उसमें ड्रिंक्स आते हैं नहीं आते हैं, फिर उसमें क्या लेना है क्या नहीं, आप 1000 रुपीज़ कैसे खर्च करें वो समझ में। हमको तो लगा हो जाएगा आराम से, बट आपको आगे दिखेगा वो 1000 रुपीज़ हमसे खर्चा हुआ है कि नहीं, क्या है क्या नहीं। तो वही डिस्कस कर रहे थे, देखो मेरा दोस्त और दीदी का भाई, कि इसमें ड्रिंक इंक्लूड है या नहीं है। फिर हम थोड़ा सा घूमने चले गए, घूमते घूमते देख रहे थे सब चीज़ों की पार्टी की तरह क्या नहीं। यहाँ पे भी अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन किया था, बट ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। तो हम चेक कर रहे थे कि यार किसका अच्छा है क्या नहीं है क्या नहीं, हम चेक करने आ गए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी कर दिया और हमने भी जहाँ किया वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको दिखेगा हम कहाँ है और किस कैफ़े में। तो ये हमारा कैफ़े जहाँ हमने हमारा न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था 31st का, बेसाइड कैफ़े करके, जीजा जी के पहचान के थे, फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। तो हम यहाँ पे आ गए थे बेसाइड कैफ़े पे। ये एकदम बीच के लग के है, लोकेटेड बीच के बाजू में ये। तो हमने बीच भी घुमा, फिर उसके बाद हम आ गए डांस फ्लोर में देखने के लिए, चेक करने के लिए आए कि कैसा है क्या है माहौल। अभी आना बाकी थे लोगों का, धीरे 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 लोग आने लग गए। आप देख सकते हो हमारा तो डांस चालू हो गया, उसी बीच सलमान खान के गाने लगने चालू हो गए। और सलमान खान के गाने लगेंगे और अपन नहीं नाचेंगे ऐसा होगा नहीं है। एक्चुअली ये पुराने सलमान खान के गाने थे, म्यूज़िक सिस्टम भी अच्छा था और गाने भी अच्छा प्ले कर रहे थे। आप देख सकते हो मैं टी शर्ट निकाल नहीं जा रहा था, लेकिन बोला जाने दो जाने दो, बॉडी नहीं है। फिर उसी बीच हमने काफ़ी इंजॉय किया फ्लोर पे, मैंने, बब्बड़ ने, स्वप्निल ने, फिर दीदी ने, जीजा जी ने, फिर हमारे साथ सत्तू भाई थे, सत्तू भाई के साथ, फिर हमारे हमारे जेंजी
जैन जी मीन्स योग भाई, सब हमने सबने काफ़ी इंजॉय किया डांस फ्लोर में, फुल नाचा। दीदी तो फुल फुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दीदी, अरे बाप रे दीदी हमसे फर्स्ट टाइम मिली, और हमको भी कभी ऐसे डांस करते वक्त भी नहीं, और तुम्हारा भाई पता है डांस करने में कभी पीछे नहीं हटता, तो वही दी। और जीजा जी भी ने फुल फ्लोर को हिला डाला एकदम, फ्लोर को ढिंचाक मचा डाला एकदम, अगर मुंबई लाइफ स्टाइल में। और काफ़ी अच्छा था, और सराउंडिंग भी काफ़ी अच्छे थे, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को कोई भी आ गया और कोई भी नाच लिया, सब अच्छे लोग थे। आप देखते हो हम सब ने मिल के डांस किया, सबने अच्छे से इंजॉय किया, और इतना अच्छा 31st होगा हमको खुद पता नहीं था। और हमारा तो देख सकते हो आप युग भाई को तो बाबा डांस डांस तो चाहिए चाहिए उसमें, भाई के स्टंट्स अलग अलग देख देख सकते हो, काफ़ी अच्छा उसने डांस किया। मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे भी खुद नाचना था, तो मैं नहीं कर पाया, मैंने शुभम के हाथ में कैमरा दिया, लेकिन वो भी क्या है उसने भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे ख़राब कर डाले, लेकिन जितने भी किए उतना ठीक है चलो, और वीडियो को लंबा भी नहीं कर सकते। देख रहे हो भाई का स्वैग देख रहे हो, और शुभम भाई का भी स्वैग देख सकते हो, फुल इंजॉय किया हमने। और जीजा जी तो बाबा फुल ऑन एकदम खतरनाक, दीदी दीदी का भी देख सकते हो, दीदी को तो अभी एनिमल मूवी का जो गाना था उस पर डांस करना था जो अभी ऊपर से, तो देख सकते हो अभी फाइनली न्यू ईयर हो गया, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर सबके सबके लिए, और सबका साल अच्छा जाए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, दीदी जी जी खुश रहे मैं वही प्रार्थना करता हूँ, बाकी सब मेरे फ्रेंड्स फैमिली सबको हैप्पी न्यू ईयर, उन लोग भी सब खुश रहे, और नया साल उन सबके लिए काफ़ी अच्छा जाए, मैं सबको फिर न्यू ईयर का ये करके फिर हमने सबने गले मिले, वो मैं कवर नहीं कर पाया अभी। दीदी देखो अभी भी दीदी का चल रहा है एनिमल मूवी का वो गाने पे डांस करने का, काफ़ी कोशिश कर रही थी बट होने था, वो कैन हल्का था इसलिए गिर जा रहा था और सेट भी नहीं हो रहा था। और सबको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, देख सकते हो ये भी युग भी वही लगा है कि सर पे पड़ो, लेकिन कैसे करेंगे, वो कैन तो पूरा हल्का है भाई। स्वप्निल भाई को भी हैप्पी न्यू ईयर, सबको हैप्पी न्यू ईयर, हमने काफ़ी इंजॉय किया, इंजॉय करने के बाद फिर हम निकल गए घर की तरफ क्योंकि काफ़ी थक गए थे, रात के 2 बज गए थे, निकलना था घर पे, तो चले गए अभी सोने के लिए। तो सबको बाय बाय, सी यू, और सबको हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और ये वेट ले, ले वीडियो लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि एडिट करना और उधर से आना रह गया था, इसके लिए लेट वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।